नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी हाथरस से मिल रही है। 1 लाख के फरार इनामी हत्या आरोपी गौरव शर्मा और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी गौरव शर्मा और 40,000 का इनामी बदमाश सोनू तोमर घायल हो गया है। दरअसल बेटी के साथ छेड़छाड़ के विरोध में बेटी के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर आरोपी फरार हो गया था। देर रात स्वात टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख के इनामी के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। पिछले 2 महीने से पुलिस गौरव शर्मा की तलाश में प्रदेश भर में लगातार दबिश दे रही थी। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की हाथरस से मिल रही है, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश गौरव शर्मा और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गौरव शर्मा और उसका साथी घायल हो गया है। फिलहाल दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। दरअसल बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद पिता ने विरोध किया तो पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करके आरोपी फरार हो गया था। पिछले 2 महीनों से लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी और पुलिस ढूंढ रही थी। आखिरकार बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। और इसी खबर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दीपेश मेरे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपेश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है इस पूरी जानकारी में? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि पूरा जो मामला था वो 1 मार्च को सासनी थाना क्षेत्र के गांव नौजलपुर में हुआ था, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें बेटी का इंसाफ मांग रहे पिता को गौरव शर्मा और उसके साथियों ने दिन दहाड़े गोली से मार दिया गया था। आज 2 महीने के बाद पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें के गौरव शर्मा और उसके साथी मोनू को गोली मारकर मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है। बिल्कुल दीपेश, क्या गौरव शर्मा का जो इतिहास है आपराधिक रहा है या फिर ये पहली घटना है? जी, ऐसा कोई भी इतिहास नहीं रहा है गौरव शर्मा का, ये पहली ही घटना है गौरव शर्मा की जो इस तरीके से इसने वारदात को अंजाम दिया था। इससे पहले कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई गौरव शर्मा की जिसने के कानूनी तौर पर अपराधी माना जाए। बिल्कुल, और जो दूसरा साथी है उसके को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी, उसको लेकर जो आरोपी है मोनू, वो वहाँ मुरैना का निवासी है जी, जिसके पास में एक मर्डर भी है, जिसके ऊपर मर्डर है, और मर्डर के बाद में ये मुरैना पुलिस ने उसके ऊपर 40,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था, जो कि हाथरस गेट पुलिस व एसओजी टीम ने दीपेश और इस पूरे मामले में लगातार परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, आखिरकार जो आरोपी था मुख्य वो पकड़ा गया है, पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि देर रात का मामला है, 11:30 बजे के समथिंग का, इसकी वजह से अभी परिवार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है। अभी परिवार की तरफ से कोई भी इस मामले में जानकारी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल दीपेश, और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे पूरी तैयारी की, क्योंकि 2 महीने से लगातार दबिश दी जा रही थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी? जी बिल्कुल, लगातार 2 महीने से गौरव शर्मा कहीं ना कहीं ऐसी जगह बैठा था जहां पुलिस को उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। 2 महीने से लगातार चकमा दे रहा था। बिल्कुल दीपेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हाथरस से मिल रही है, जहां पर 2 महीने से परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था। दरअसल आरोपी गौरव शर्मा ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के पिता की गोली मारकर गौरव शर्मा ने हत्या कर दी थी। आखिरकार बीते 2 महीने से जद्दोजहद चल रही थी पुलिस की और अब गौरव शर्मा पकड़ा गया है, मुठभेड़ में घायल हो गया है। फिलहाल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस की तरफ से जो भी अपडेट होगा आगे वो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।